मेरा नाम बालम दफोटी है। मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस आईटी विभाग में एकेडमिक एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पावर पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का अध्ययन करने के पश्चात आप नंबर 1 पावर पॉइंट की मूल सुविधाओं को परिभाषित कर सकेंगे, प्रेजेंटेशन बना सकेंगे, स्लाइड तैयार कर सकेंगे और स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ सकेंगे, चार्ट और ग्राफिक्स डाल सकेंगे, ध्वनि और एनिमेशन प्रभाव जोड़ सकेंगे, प्रेजेंटेशन को सेव और प्रिंट कर सकेंगे, स्लाइड शो चला सकेंगे। आइए अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। जब भी आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने, भाषण देने या फिर कक्षा में लेक्चर देने आदि के लिए एक से अधिक लोगों के सामने आते हैं, तो आपके पास एक प्रस्तुतिकरण, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, होता है। किसी भी प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य संप्रेषण होता है। एक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए आपको अपने तथ्यों को सरल, संक्षिप्त और दिलचस्प तरीके से वर्णित करना होता है। किसी भी प्रेजेंटेशन के चार बुनियादी तत्व होते हैं, अर्थात आप स्वयं, आपके अपने दर्शक, आपके संदेश और आपके उपकरण। इस वीडियो लेक्चर में आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। भले ही आप एक मल्टीमीडिया विशेषज्ञ ना हो, फिर भी स्लाइड बनाने में और रोचक स्लाइड शो प्रस्तुत करने में पावर पॉइंट आपकी सहायता करता है। पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पावर पॉइंट आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कई तरह के प्रदान करता है। नंबर 2, स्लाइड का निर्माण करना आपके सभी कार्यों का मूल है जो आप पावर पॉइंट में करते हैं। नंबर 3, टेक्स्ट जोड़ने से आपको अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 4, मल्टीमीडिया सुविधाएं आपकी स्लाइडों को जीवंतता प्रदान करती हैं। आप स्लाइड में क्लिप आर्ट, ध्वनि प्रभाव, संगीत, वीडियो क्लिप आदि जोड़ सकते हैं। नंबर 5, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना आसान होता है। एक बार स्लाइड बनाने के बाद आप उन्हें क्रम में लगा सकते हैं, अपने स्लाइड शो प्रदर्शन का समय सेट कर सकते हैं और उसे अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 6, आप पावर पॉइंट प्रोग्राम को विभिन्न तरीकों द्वारा शुरू कर सकते हैं। अब पावर पॉइंट को कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले नंबर 1, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। नंबर 2, प्रदर्शित होने वाले मेन्यू में और प्रोग्राम पर जाएं। तत्पश्चात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 का चयन करें। कुछ ही सेकंडों में आपको मॉनिटर पर पावर पॉइंट स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्रेजेंटेशन अब कैसे बनाया जाए? देखिए, जब आप पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू करते हैं तब आपको खाली ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई देती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पावर पॉइंट 2007 में ऑफिस बटन अन्य प्रोग्राम के फाइल मेन्यू को प्रतिस्थापित करता है और टाइटल बार के नीचे का बार रिबन कहलाता है। रिबन में अनेक टैब शामिल होते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब। टैब को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो कार्य संबंधी हो। अब समूह, समूह जो होता है, समूह प्रत्येक टैब के अंतर्गत कार्य को उप कार्यों में विभाजित करता है। प्रत्येक समूह में कमांड बटन एक कमांड का संचालन करता है या कमांड मेन्यू को प्रदर्शित करता है। आप पेज के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित ऑफिस बटन पर जाएं और मेन्यू बार पर क्लिक करें। आप प्रदर्शित पेज से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अब इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए? देखिए, इंस्टॉल टेम्पलेट टैब को चुनें और उसके बाद वांछित टेम्पलेट चुनें। स्थापित किया गया टेम्पलेट विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट और विचार प्रदान करता है। आप जो टेम्पलेट चाहते हैं उसे चुनें और डाउन एरो बटन पर क्लिक करें या स्क्रॉल बार पर क्लिक करके विजार्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। आप जो प्रेजेंटेशन चाहते हैं उस पर क्लिक करें और समाप्त होने के बाद क्रिएट पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। आपका प्रेजेंटेशन
प्रदर्शन के लिए तैयार है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब डिजाइन टेम्पलेट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए? देखिए, अपने प्रेजेंटेशन में आप जिस डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए इंस्टॉल किए गए थीम पर क्लिक करें। सफेद बॉक्स में अनेक प्रकार के नाम प्रदर्शित होंगे। इंस्टॉल किए गए थीम आपको विभिन्न बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रदान करते हैं। सूची में टेम्पलेट नाम को हाईलाइट करके प्रत्येक डिजाइन को हाईलाइट करें। डिजाइन का चयन करने के बाद क्रिएट दबाएं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे खोलें? देखिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। यदि आपके पास कोई नया विकल्प है या कोई भी टेम्पलेट आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है तो आप नया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट का उपयोग कैसे करें? देखिए, अपना नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक ब्लैंक फॉर्म चयन करने के बाद आपके प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड प्रकट होती है। आप स्लाइड पर दाएं क्लिक करके उन लेआउट को चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप 9 विभिन्न स्लाइड लेआउटों में से चयन कर सकते हैं। आपको केवल चयन करना है और उस पर क्लिक करना है। प्रत्येक विकल्प के नीचे बताया गया है जिसे पता चलता है कि आपकी पूरी स्लाइड कैसे दिखाई देगी। नंबर 1, टाइटल शीर्षक, जिसको हम शीर्षक भी कहते हैं। यह विकल्प प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए उपयोगी है। यदि आप टाइटल के नीचे सब टाइटल या कम टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो इस स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 है टाइटल एंड कंटेंट, शीर्षक और सामग्री। यदि आपको ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी हो जो कि एक सामान्य विषय के अंतर्गत आती हो तब इस लेआउट का चयन कर सकते हैं। नंबर 3 है सेक्शन हेडर। यह विकल्प प्रेजेंटेशन के भीतर एक मुख्य खंड बनाने के लिए उपयोगी है। नंबर 4 है टू कंटेंट, दो सामग्री। यह विभिन्न तत्वों या टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए उपयोगी विकल्प है। नंबर 5 है तुलना, यह सूचियों के लिए एक उपयोगी विकल्प है। नंबर 6 है टाइटल ओनली, केवल शीर्षक। यह विकल्प प्रेजेंटेशन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। इस लेआउट में कोई भी सब टाइटल शामिल नहीं है। नंबर 7 ब्लैंक। यदि आप मास्टर स्लाइड के अनुसार खाली स्लाइड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 8 है कैप्शन के साथ पिक्चर। एक लिंक किए गए ऑब्जेक्ट पर कैप्शन डालने के लिए इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब सामग्री का चयन कैसे कर सकते हैं? देखिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 6 प्रकार के तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, वो दिखाए गए हैं, जिन्हें आप स्लाइडों के अंदर सामग्री से चुन सकते हैं। ये 6 तत्व निम्नानुसार हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। नंबर 1 इंसर्ट टेबल, नंबर 2 इंसर्ट चार्ट, नंबर 3 इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, नंबर 4 फाइल से चित्र इंसर्ट, नंबर 5 इंसर्ट क्लिप आर्ट, नंबर 6 इंसर्ट मीडिया क्लिप। अब मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलना, जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको किस प्रकार खोला जाए? देखिए, किसी भी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ऑफिस बटन से ऑफिस टैब का चयन करें। लुक इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस फोल्डर का चयन करें जिसमें फाइल है और सूची में फाइल को हाईलाइट करें। प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब हम अपने स्लाइडों को कैसे देखते हैं? देखिए, स्लाइडों के निर्माण और प्रस्तुति में मदद करने के लिए पावर पॉइंट में अनेक व्यू होते हैं। ये व्यू हैं नॉर्मल, स्लाइड शटर और स्लाइड शो। पहले 2 व्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हैं और अंतिम स्लाइड शो की प्रस्तुति के लिए हैं। आप पावर पॉइंट विंडो के निचले दाएं कोने में स्थित संबंधित व्यू बटन पर क्लिक करें, इन व्यू पर पहुंच सकते हैं या व्यू का चयन करने के बाद मेन्यू बार में संबंधित कमांड का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नॉर्मल व्यू का चयन करना चाहते हैं तो मेन्यू बार पर व्यू पर जाएं, तत्पश्चात नॉर्मल कमांड का चयन करें। अब नॉर्मल व्यू होता क्या है? देखिए, नॉर्मल व्यू स्क्रीन को 3 भागों में विभाजित करता है। मुख्य विंडो, जहां पर वर्तमान स्लाइड प्रदर्शित होती है, बाईं ओर लेआउट पैन और निचले हिस्से में नोट्स पैन। यह वह स्थान होता है जहां आप अधिकतर काम करते हैं। आप
प्रत्येक पेन के बॉर्डर पर क्लिक करें, क्लिक करके उस पर ड्रैग डाउन करके उसका आकार बदल सकते हैं। नॉर्मल व्यू पर पहुंचने के लिए विंडो के निचले बाएं कोने में स्थित नॉर्मल व्यू बटन पर क्लिक करें या मेन्यू बार से व्यू पर जाएं, तत्पश्चात नॉर्मल कमांड का चयन करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। स्लाइड शटर व्यू, देखिए प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी छवि जिसको हम इमेज कहते हैं स्लाइड शटर व्यू में प्रदर्शित होती है। इस व्यू का उपयोग करके स्लाइड को आसानी से क्रमबद्ध और शॉर्ट किया जा सकता है। आप विशेष प्रभाव डालने के लिए भी इस व्यू का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन जो प्रत्येक नई स्लाइड के आने पर प्रकट होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करने के लिए विंडो के निचले बाएं कोने में स्थित स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन पर क्लिक करें या मेन्यू बार पर व्यू पर जाएं, तत्पश्चात स्लाइड शॉर्टर कमांड का चयन करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब स्लाइड शो व्यू होता क्या है? देखिए स्लाइड शो व्यू वह व्यू होता है जिसका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन को यह देखने के लिए करते हैं कि उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। जब आप अपने दर्शकों के सामने प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इसमें आपके प्रेजेंटेशन के सभी ध्वनियाँ, एनिमेशन, हाइपरलिंक्स कार्य करते हैं और आप देख सकते हैं कि अपना प्रेजेंटेशन कैसा बना है। स्लाइड शो व्यू का उपयोग करने के लिए विंडो के निचले बाएं कोने में स्थित स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें या मेन्यू बार पर व्यू पर जाएं, तत्पश्चात स्लाइड शो कमांड का चयन करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन टिप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।